दोना पीकर इतना अनाज, इतनी चीनी, इतना गुड़, इतना चावल आपके सामने, और फिर भी आप भगवान की मेहरबानी नहीं समझते। आप कहते हो हमने किया तो ठीक है, अब आपको देखने को मिल जाएगा। अभी आपको क्या हुआ, बाबा जी की बात को आपने नहीं माना, सो भगवान का डंडा और खुदा का छोटा ऐसा जोर से पड़ेगा। अभी आपको क्या पता, एक ही फोटो में, एक ही डंडे में जोर से कई करोड़ आदमी जमीन पर एकदम लेट जाएंगे। बाबा जी की एक मिनट में सब बातें याद हो जाएंगी। ये बाबा जी वो है जो एक मंच पर बैठ करके बोलेंगे, खड़े होकर के, इसमें इधर उधर होने वाला कुछ नहीं, इधर उधर होने की बात कुछ नहीं, ये तो आपके सब सामने देखने को मिलेगा। इसलिए नर नारियों, बच्चे और बच्चियों, बाबा जी की बात पर बड़ा ध्यान दो। हम तो सबके हित की बात, कल्याण की बात, लाभ की बात, फायदे की बात करते हैं, लेकिन आप उसको समझते रहे हो। बाबा जी का परिचय आप सुन लो। बाबा जी आपके सामने बैठे हैं। इस किराए के मकान का नाम तुलसीदास, एक छोटा सा आश्रम मथुरा में जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। मैं सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ, और जय गुरुदेव नाम किसी आदमी जानवर का नहीं, वो परमपिता परमात्मा का, ईश्वर का, भगवान का, परम शक्तिमान का, उस खुदा का नाम है जय गुरुदेव, किसी आदमी का नाम नहीं। मैं उसका प्रचार करता हूँ, मैं कोई नकली नहीं हूँ, मैं असली हूँ। यही जुबली पार्क आपका, जितने मैं आप तक में आया था, यहाँ कहकर के कुछ गया था, लेकिन आप उस पर विश्वास नहीं करते थे, पर जो जो बातें जिनको याद है नोट कर ली, वो सब कुछ उसी तरह की आपको देखने को मिली, और भविष्य में भी देखने को आपको मिलेंगी। तो आप लोग जो है मानवता को जाए, मानव धर्म को जाए। जब ये सब कुछ, एक बात आपको फकीरों की बता दें, एक अकबर बादशाह के जमाने में एक फकीर थे, बड़े पहुंचे हुए थे, वो भूत भविष्य वर्तमान का उनको ज्ञान था। हिंदू मुसलमान कोई भी जाए, सबसे मोहब्बत उनका प्यार था, किसी से कोई झगड़ा नहीं, सबको नेक और अच्छी शिक्षा देना। जब इधर पश्चिम में लड़ाई हुई तो मुसलमान हिंदू जब लड़ गए तो बहुत से मारे गए और बहुत से घर जला दिए। सब लोग दुखी होकर के आतंक में डर की वजह से भाग खड़े हुए, और इधर में जब आए तो लोगों ने पूछा, इधर कोई हमारी देखभाल और सुनने वाला हमारे कष्टों को कोई है? तो मालूम हुआ कि फकीर रहते जो हिंदू मुसलमान सबसे प्यार करते हैं, सबसे मोहब्बत करते हैं। तो जब वो आए तो उनका उपदेश हो रहा था, बहुत से हिंदू मुसलमान बैठे उनका उपदेश सुन रहे थे, वो सबके सब बैठे। जब उनका उपदेश समाप्त हुआ तो वो लोग पास में आए, कहा फकीर साहब हमारे ऊपर कब तक जुल्म होता रहेगा? तो फकीर साहब ने कहा कि लिखो, जो तुमने दूसरों पर जुल्म किया वही जुल्म तुम पर हो रहा। तो फकीर साहब ये जुल्म कब तक होता रहेगा? तो फिर कहा कि अच्छा लिखो, अभी 300 वर्ष मुसलमानों का राज और रहेगा। फिर लोग पूछते हैं कि फिर क्या होगा इसके बाद, कि सफेद चंदी बारे बड़ी दूर से आएंगे और भारत में तिजारत करेंगे, और थोड़े दिनों में बड़े शक्तिशाली हो जाएंगे, मुसलमान बादशाहों को मार भगाएंगे। ये वो फकीर लिखते हैं। फिर कहते हैं उसके बाद में क्या होगा, कहते हैं जहां से सूरज निकलता है जहां तक डूबता है वहां तक उनका राज हो जाएगा। फिर क्या होगा, 200 वर्षों तक भारत में उनका राज रहेगा। फिर क्या होगा, तो लिखते हैं नीचे एक कौमी आवाज उठेगी भारत में, उसमें से नेता और लीडर पैदा होंगे, और सारी जमहूरियत यानी सारे मनुष्य, सारी रैयत, सब उनका, सारी रियायत साथ दे जाएगी नेता और लीडरों का, और सफेद चमड़ी वालों को मार भगाएंगे, और उनका नेता और लीडरों का बड़ा असर होगा, लोग उनको देवताओं की तरह से चंद दिनों तक मानेंगे, थोड़े दिनों में उनका असर खत्म हो जाएगा, उनका असर खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं कि फकीर साहब फिर क्या होगा, तो वो नीचे लिखते हैं कि इसके बाद धार्मिक लोग आते हुए दिखाई देंगे, जो महात्मा फकीर और या सिद्ध ऋषि मुनि जो कुछ भी किताबों में लिखकर चले गए, वो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग और सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग भी जाए, लेकिन जो कुछ भी लिख दिया वो सब हो, आप उसको माने न समझे न माने, ये तो आप अलग हो सकता, लेकिन जो कुछ भी लिखा है वो सब उनका हक होगा। वैसा ही वैसा महात्माओं ने जो लिखा है सब कुछ आपके सामने आ रहा, लेकिन आप सोचते हो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा, हो रहा वही जो आप कर रहे हो, वही हो रहा, जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। इसलिए आप लोग मानवता को जाओ,
मानव धर्म को ले आओ, मानव चरित्र को ले आओ, मानव प्रेम को ले आओ, मानव दया को ले आओ, मानव सेवा सत्कार को ले आओ, मनुष्य बन जाओ, हैवान और जानवर मत बनो, दूसरों पर रहम और दया करो। ये मनुष्य का काम, ये मनुष्य की पोशाक है। अगर इस पोशाक से आपने फेंक दिया तो जानवर और मनुष्य में अंतर ही क्या है? कुछ अंतर नहीं। तो इसलिए मनुष्य हो, आप बुद्धिमान हो, उन सब लोगों को वापस ले आओ, उनको जितने भी मनुष्य के गुण वापस आ जाए, ये मनुष्य बन जाओ, मनुष्य के बाद तुरंत देवता बनो और फिर अपनी आत्मा को जगा करके ईश्वर कोटि पर रामकृष्ण की तरह से ज्ञानी और शक्तिशाली बन जाओ और आज तुम्हारे मंदिर बन सकते हैं। ये शक्तियां भारत में मनुष्य और अपनी आत्मा को जगा करके इन्होंने ईश्वर को प्रार्थना किया होता तो आज हमने इनके मंदिर न बनाए होते। इसलिए आप लोग बड़े ध्यान से बाबा जी की बात को सुनिए, कल युग में सतयुग आएगा। अभी आया नहीं है, मुझे मालूम तो है कि किस तारीख से सतयुग आएगा, किस तारीख से सतयुग आएगा, ये तारीख तो मुझे पता है, लेकिन आपको नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? कि मेरा समाचार कोई रेडियो अखबार पर नहीं निकलता। मैं अगर आपको बता दूं कि उस तारीख से सतयुग लग जाएगा तो आप फौरन अपनी तरफ से लेकर के दे दोगे कि मैं जानता हूं कि फलानी तारीख से सतयुग लग जाएगा, तो आपका समाचार रेडियो अखबार पर आ जाएगा और बाबा जी का आने वाला नहीं। तो बाबा जी तो ऐसे ही रह गए, सर तो आपने बाजी लगा ली, आप तो नंबर ले गए और बाबा जी ऐसे ही रह गए। तो बाबा जी ये बताने वाले नहीं। जब ईसा मसीह ने बताया कि ऐसा समय आएगा तो रात को आपने मैथिन करके उसको सुबह सूली पर चढ़ा दिया। जब मीरा ने आपको कुछ बताया तो रात को मंत्रण करके मैटिंग करके और बोल करके जहर हला उसको पिला दिया। आपको मालूम नहीं कि ऋषियों मुनियों ने बताया कि राम को सुबह कल राज तिलक होगा तो रात को बैठकर मैटिंग की और 14 बरस का वनवास पिला दिया। आपको तो अभी कुछ पता नहीं है। नारद ने कहा था कि अरे कंस राजा, तेरे पासों का भरा बढ़ गया और तेरी राय का भी भरा बढ़ गया, तुझको तेरी राय को मारने वाला तेरी बहन से पैदा होगा। तो क्या किया? रात को मैटिंग की, बहन बहनों को बुला करके और कृष्ण भगवान के माँ बाप को जेल में बंद कर दिया। बड़े ध्यान से बाबा जी की बात को सुनने की कोशिश करें। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि ऐसा समय आएगा तो उनके बच्चों को दीवार में जिंदा ही चुनवा दिया। और फिर महावीर ने कुछ कह दिया तो बेचारे जंगल में नंगा घूमना पड़ा। जब मोहम्मद ने कुछ कह दिया तो जंगलों जंगलों की ठोकर और दाने दाने को मोहताज होना पड़ा और कितने उसके मरीज यानी सेवक दाने दाने को मारे। आपको तो ये कुछ पता नहीं है। जब बौद्ध ने कुछ कह दिया तो उनकी राजगद्दी को छुड़वा दिया। बाबा जी ने 1975 में आपके बड़ौदा तमाम गुजरात में कुछ कहा कि भविष्य में ऐसा समय आएगा आप लोग सावधान और होशियार हो जाओ। तो बाबा जी को 29 जून को पकड़कर 1975 में जेल के अंदर बंद कर दिया और 21 महीने तक आपने अंदर रखा। और अब आप पूछते हो बाबा जी मुझे बता दीजिए आगे क्या होगा, आप नहीं बताएंगे, अब होशियार हो गए, आप नहीं बता सकते, आप में कोई दम नहीं, जरा भी दम नहीं, किसी साधु में दम नहीं, किसी समाज वाले में दम नहीं, हिंदू में दम नहीं, मुसलमान में दम नहीं, ईसाइयों में दम नहीं, आप में कोई दम नहीं, किसी की आप रक्षा नहीं कर सकते। आप तो एक गाय की तरह से इस फूटे में बांधो उसको बांधो, उससे फोन करके उसको बांध दीजिए, आप में कोई दम और शक्ति नहीं। इसलिए बाबा जी अब बताएंगे नहीं, अब तो बाबा जी आपको दिखाएंगे, इसको आपको अब देखना पड़ेगा। ये वही बाबा जी है कि जो कुछ मंच पर बैठ के बोलेंगे ये तो कुछ इधर उधर होने वाला कुछ है ही नहीं। उसको बड़े ध्यान से आप सुने। बीच में एक बात याद आ गई क्योंकि ये खड़े हुए हैं कुछ प्रश्न लेकर, मेरी बात को आप समझ, न मुझे हिंदुओं से मतलब, न मुझे ईसाइयों से मतलब, न मुझको जो है मुसलमानों से मतलब, मुझे तो मतलब है सबको भोजन मिले, सबको कपड़ा मिले, सबको मकान मिले, मोहब्बत और प्यार से रहे, एक दूसरे के काम आए। बाबा जी की निगाहों में और बाबा जी की भावना और बाबा जी का काम तो यह है कि सब सुखी हो जाए, सब निरोगी हो जाए। लेकिन आप ये नहीं चाहते हो तो उसको भी आप सुन लीजिए बड़े ध्यान के साथ। अभी तो आपने कुछ सुना नहीं है। अगर बाबा जी ने मोहलत को न मांगा होता तो न मालूम आपका अभी तक क्या हो गया होता। आपको तो ये मालूम कुछ था नहीं, तब तो बिल्कुल गाय की तरह से इमरजेंसी में सीधे सड़क पर चले जा रहे, सीधे सड़क पर चले आ रहे, जवान भी किसी की नहीं भूलती थी, चुपचाप
जंगल और पहाड़ों में घरों को छोड़कर के जंगलों में छुप गए और सालों सालों तक जंगलों से निकल करके घर में नहीं आए, वह आपने दिन अभी देखे नहीं थे, उसको आप भूल गए। बड़ी जल्दी और लंबी और चौड़ी बात करने लगे तो बाबा जी की बात को निरपक्ष है, सबके लाभ के लिए आप ये जो चकबंदी देहातों में और मेहरबंदी किसानों के खेतों को होती है इसका खर्चा किसान ही देता। ये अभी जो एक भगवान ने आपके ऊपर में दया की और मनुष्यों को श्रेय दे दिया, ये ठीक आप श्रेय के योग से आपको श्रेय मिल गया, लेकिन विवेक ठीक और विचार ठीक यानी आप मनोबुद्धि को जगाओ। अभी पिछले दिनों में